सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार अगर आपसे बात करता हूं हमारे लेटेस्ट गैजेट्स की प्रोटेक्शन के बारे में, तो यहां पर दोस्तों उनके ऊपर जो लगा है ग्लास वो हमको चाहिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर क्वालिटी का। तो आज हम इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं कॉर्निंग के लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास 6 के बारे में। हम दोस्तों जानेंगे कि अगर भैया क्या है गोरिल्ला ग्लास और कैसे दोस्तों ये है बेहतर अपने पुराने वर्जन से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम इस बात को यार कई बार जाने जाने में इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आजकल हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं वो भैया बढ़ते जा रहे हैं, जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों हमको चाहिए और ज़्यादा बेहतर प्रोटेक्शन उस ऊपर लगी हुई ग्लास लेयर के फॉर्म में, क्योंकि अगर वो ग्लास टूटा तो हमारा हो जाएगा बिना बात का खर्चा। यहाँ पर दोस्तों से बात करता हूँ ग्लास बैक की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमको मिलता है एक बेहतर सिग्नल। इसके अलावा यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग ऐसी चीज़ें भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ग्लास टूट जाए तो किस काम का। तो यहां पर दोस्तों आपने ऐसे में बहुत बार सुना होगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के बारे में। यहां पर दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो बना के आपको बताया था कि आखिर गोरिल्ला ग्लास जो है वो कैसे बनाया जाता है और कैसे ये होता है बेहतर एक स्टैंडर्ड एल्युमिनियम सिलिकेट ग्लास के कंपैरिजन में। जहां पर दोस्तों यहां पे कॉर्निंग जो है वो लेता है काम में आयन एक्सचेंज प्रोसेस, जिसके बाद में ग्लास को और मजबूत बनाया जा सके। लेकिन यहां पर दोस्तों सभी जो गोरिल्ला ग्लास हैं वो बिल्कुल सेम नहीं है, इसके अलग अलग वर्जन हैं। जहां पर दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 1 जो था वो आया था पहले आईफोन में, उसके बाद में गोरिल्ला ग्लास 2, 3, 4, 5 दोस्तों करते हुए यहां पे अभी लेटेस्ट दोस्तों चीज लॉन्च की है कॉर्निंग ने, वो है गोरिल्ला ग्लास 6। और यहां पे जो डिफरेंसेस हैं वो दोस्तों अलग अलग फॉर्म्स में है, जहां पे हमने ये कोशिश की है कि जो ग्लास है वो और पतला 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 बनता जाए, क्योंकि दोस्तों हमको चाहिए यहां पे और स्लिम स्लिम डिवाइसेस। अभी आपका इतना डिवाइस उसके ऊपर आपने अगर और इतना ग्लास लगा लिया तो नहीं तो दोस्तों आपको मिलेगी डिस्प्ले की क्लैरिटी, आपको जो टच स्क्रीन है वो भी शायद उतना अच्छे से काम ना कर पाए और इसमें डिवाइस हो जाएगा और मोटा। तो यहां पर दोस्तों कॉर्निंग ने कोशिश यही की है कि हर एक वर्जन के साथ में हम जो है वो स्ट्रेंथ को तो इंक्रीज करें ही, साथ ही साथ हम उसकी थिकनेस को भी कम करते जाएं। और यहां पे दोस्तों फिर अलग अलग वर्जन हैं जहां पे स्क्रैच रेजिस्टेंस जो है वो आपको गोरिल्ला ग्लास 3 के अंदर काफी अच्छी मिलती है। दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 5 था उसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये, क्योंकि यार फोन ना गिरने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो यहां पर दोस्तों अभी लेटेस्ट आया है वेरियंट गोरिल्ला ग्लास 6, उसमें कॉर्निंग ये बोलता है कि ये गोरिल्ला ग्लास 5 के मुकाबले भैया दुगना ज्यादा मजबूत है, जहां पर दोस्तों ऑन एवरेज 15 बार ये जो है सरवाइव कर सकता है ड्रॉप्स, अगर आपसे बात करता हूं 1 मीटर या उससे कम हाइट के। बाकी दोस्तों यहां पे ये ड्रॉप सरवाइव कर सकता है 1.6 मीटर्स की हाइट तक के, लेकिन ये दोस्तों ऑफ कोर्स जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट से, बिल्कुल भैया लैब सिनेरियोस के अंदर। नॉर्मल लाइफ में चांस की बात है, क्या पता किस एंगल पे कैसे फोन गिरे, तो भैया गिर के फोन क्या पता पहली बार भी टूट जाए। लेकिन हाँ दोस्तों डेफिनेटली यहां पे कॉर्निंग ये बोलता है कि ये दुगना ज्यादा मजबूत है गोरिल्ला ग्लास 5 के कंपैरिजन में। और यहां पर दोस्तों ऐसे में ही 2 और वेरिएंट्स निकाले हैं ग्लास के, जो कि है गोरिल्ला ग्लास DX और DX+। यहां पर दोस्तों बात हो रही है वेरिएबल डिवाइसेस दोस्तों, जैसे स्मार्ट वॉचेस वगैरह हो जाती हैं। तो यहां पर दोस्तों जो पहला सॉल्यूशन था वो था गोरिल्ला ग्लास SR+ का, ये उसका एक अपग्रेड है जहां पे आपको बेहतर ऑप्टिक्स मिलते हैं, कि जो आपको डिस्प्ले की क्लैरिटी है वो और अच्छी मिल रही है, ब्रॉड डेलाइट के अंदर दोस्तों जो कंट्रास्ट रेशियो है वो और इंक्रीज होता है बेहतर, ताकि आपको डिस्प्ले मिल जाए। और यहां पे जो स्क्रैच रेजिस्टेंस है उसमें है मेन डिफरेंस, जहां पे जो गोरिल्ला ग्लास DX है उसमें इतना आपको ज्यादा बेहतर नहीं मिलेगा, लेकिन जो DX+ है उसमें दोस्तों आपको मिलेगी और ज्यादा बेहतर स्क्रैच रेजिस्टेंस। तो ये है दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 6, DX और DX+। अभी ग्लास की दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि हम में से बहुत लोग ये समझते हैं कि यार जो गोरिल्ला ग्लास है ना, अगर वो हमारे फोन में लगा हुआ है तो स्क्रैच आएगा ही नहीं और फोन गिरने पे टूटेगा ही नहीं। दोस्तों ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। जहां दोस्तों से बात करता हूं मोह स्केल की, तो ऐसे में यार जो गोरिल्ला ग्लास दोस्तों है वो आता है करीब 6 और 7 के बीच में, तो ये मोस्ट चीजों के अगेंस्ट जो है वो स्क्रैचेस दोस्तों कर लेगा प्रोटेक्ट। लेकिन अगर हमसे बात करता हूं सैंड की, रेत की, तो वो भैया गोरिल्ला ग्लास को भी स्क्रैच कर देगी। तो आपके पास में अगर एक गोरिल्ला ग्लास वाला फोन है तो भी आप उसको ध्यान से यूज करें, अगर आपने लापरवाही बरती तो आपके डिवाइस पर आ जाएंगे स्क्रैचेस। जहां तक बात है दोस्तों भैया गिरने की डिवाइसेस, तो मेरे पास में गोरिल्ला ग्लास 3 वाला एक फोन था, वो टेबल पे मैंने उसको वर्टिकली ऐसे रखा हुआ था मजे के लिए, और वो सीधा बस यूं गिरा और सीधा ऐसे गिरने से ही जो है वो टूट गया। तो चांस की बात है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि कॉर्निंग दोस्तों जो है वो ये बोल रहा है कि गोरिल्ला ग्लास 5 के कंपैरिजन में ये और बेहतर है और ज्यादा मजबूत है। अभी देखते हैं कि यहां पे दोस्तों हमको वो कौन से मिलते हैं पहले फोन्स जहां पे काम में ले जाता है इसी गोरिल्ला ग्लास को।
उसके बाद में देखो भैया आपका फोन बचे के टूटे, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे दोस्तों ग्लास है वो हम न सिर्फ फोन में, टेलीविजन्स में, लैपटॉप्स में और बहुत सारे दोस्तों डिस्प्लेज में काम में लेते हैं। इनफैक्ट गाड़ियों में भी कुछ दोस्तों जगहों पे इस्तेमाल मिल जाता है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास को, क्योंकि ये मजबूत है, क्लियर है और बेहतर है। तो अभी आप दोस्तों मुझे बताओ नीचे कॉमेंट्स में कि क्या आपका फोन का स्क्रीन कभी टूटा है आज तक एक बार भी, और वो गिरा तो कैसे गिरा और कहाँ गिरा, क्या थी पूरी कहानी बताए दोस्तों मुझे कमेंट्स में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।